हेलो गाइस, वेलकम टू नी अदर वीडियो। और जैसा कि आप देख सकते हो आज के वीडियो से कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन से गैजेट्स चाहिए एक मोटो ब्लॉगर बनने के लिए, एक ब्लॉगर बनने के लिए। ये वीडियो मैं बहुत पहले से बनाना चाह रहा था, बट जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उस वजह से मैं ये वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपको चाहिए रोड सेफ्टी के लिए, और कौन कौन से चाहिए आपको एक मोटो ब्लॉगिंग, प्रॉपर मोटो ब्लॉगिंग बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, और ब्लॉगिंग बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो चलिए वन बाय वन आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए आपको। सबसे पहले जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हेलमेट। तो जैसा कि मैंने अपने गोप्रो वाले वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे आप हेलमेट माउंट कर सकते हो, तो ये उसका अडॉप्टर है और ये हेलमेट है। ये लेग गार्ड है जो आप ट्रैवल करते टाइम पहन सकते हैं। ये एलेक्सा है और इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये पावर बैंक है, ये आप ट्रैवल करते हैं इसके साथ आप अपने चार्ज कर सकते हैं अपने जो गैजेट्स हैं इसको, फ़ोन चार्जर। और ये गोप्रो का है आपका, जैसे मैंने दिखाया था कि आपका ये हैंड व्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है, एक मोबाइल जो सबके पास ही होता है। और ये आपका ये ग्लव्स है, हैंड ग्लव्स। और ये आर्म गार्ड है, आर्म गार्ड। अगर आपके पास जैकेट है अगर तो आपको आर्म गार्ड की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी जैकेट है, राइडिंग जैकेट। ये मेरा ट्रैवल बैग है जिसके साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं इसको लेके। ये मेरा कैमरा को कैरी करने के लिए है गोप्रो, और जो मेरा कैनन का कैमरा उसको कनेक्ट करने के लिए। और ये मेरा ऐसे ट्रैवलिंग का बैग है, इसमें मैंने अपने गोप्रो के जितने भी गैजेट्स हैं वो रखे हुए हैं, मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। ये है मेरे गोप्रो के जो गैजेट्स हैं, और ये सब अभी मैं आपको पूरा पहन के दिखाता हूँ कि आपको मोटो ब्लॉगिंग के लिए आपको कैसे, और कैसे आप एक मोटो ब्लॉगर बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। हाँ, तो अब मैं वन बाय वन आपको पहन के दिखाऊंगा गैजेट्स जो हैं बाइकिंग के लिए, मोटो ब्लॉगिंग के लिए। तो आप देख सकते हो उससे कि कैसे आप कैरी कर सकते हो। तो अब थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलिए बनाते हैं इसको। गाइस, आई एम रेडी। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने पहन लिया है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये आपका लेग गार्ड है जो आप पहन सकते हो, और ये दोनों आपके लेग को प्रोटेक्ट करेगा। इसको थोड़ा ऊपर करके पहनिए ताकि अगर आप गिरते हैं तो एटलीस्ट आपके घुटनों पे कोई इम्पैक्ट ना आए। और ये आर्म गार्ड है, ये आप पहन सकते हो ताकि आपके जो नीज है ये सब प्रोटेक्टेड रहे। और ये ग्लव्स हैं तो ये सब, और ये हेलमेट है जैसा कि आप देख सकते हो, ये हेलमेट आप पहन के जाओगे कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बाइकर जैकेट, और एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर आप बाइकर जैकेट पहने तो उसके लिए उसके बाद आपको ये नी गार्ड पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो नी गार्ड है वो इनबिल्ट होता है, ऑल सीजन जैकेट होती है वो, तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको अब बाइकर जैकेट पहन के दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है मेरी बाइकर जैकेट, इसको मैं निकालता हूँ। और इसका मैंने जस्ट शॉप से लिया था, करोल बाग से लिया था। मैं वहाँ पर भी जाके एक ब्लॉग शूट करूँगा ताकि अगर आपको भी कुछ ऐसे गैजेट्स लेने हो तो, या कुछ बाइक से रिलेटेड कुछ मटेरियल लेना हो तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो मैं वहाँ के जाके आपको शूट करके दिखाऊंगा। और अब मैं ये पहनने जा रहा हूँ इसको, पहले एक्चुअली अभी ये नहीं है तो इसके मुझे ये निकालना पड़ेगा। और ये ऑल सीजन जैकेट है। मैं थोड़ा कैमरे के पास आकर दिखाता हूँ कि अगर आप विंटर्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये पूरा इसको पहन के कर सकते हैं। अगर आप समर्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसका ये निकाल सकते हैं, यहाँ से पूरा करके, ताकि आप ये आप समर से पहने तो आपको गर्मी ना लगे। और यहाँ पर आपका फ़ोन रखने के लिए दिया है, यहाँ पर अगर आपको कुछ रखना है कार्ड आर्ड तो ये सब उसमें दिया हुआ है। आपको पहन के दिखाता हूँ, और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं। ये बहुत भारी जैकेट है, ये दो चार लोग रखने पड़ेंगे इसको पहनने के लिए। बहुत टाइम लग रहा है इसको पहनने के लिए।
और अभी शायद मैं इस सैटरडे आगरा ट्रैवल करूँ, आगरा हाँ दिल्ली टू आगरा और मथुरा, तो उसका ब्लॉग आपको दिखाऊंगा। तो ये थी मेरी जैकेट और सीजन जैकेट है। अगर आपके पास जैकेट नहीं तो कोई बात नहीं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था काफ़ी सस्ते में आप ये आर्म गार्ड और लेग गार्ड के उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। मैं आपको पूरा जब पहन ही लिया तो पूरा आपको लुक दिखाता हूँ कैसा होता है। एक सेकेंड, मुझे शूज़ भी पहन लेने चाहिए। मैंने बाइकिंग के लिए ये भी शूज़ लिए थे ली कूपर के, तो मैं आपको बूट्स भी पहन के दिखाता हूँ। ये थे, अगर आप पास से मैं दिखा सकूँ, ये है राइडिंग शूज़ मैंने लिए थे। ये बूट से इसको पहन के आप ट्रैवल कर सकते हो। सो गाइस, दिस इज हाउ आई लुक, और शायद आपको पूरा वो आ नहीं रहा वो लुक, तो मैं अभी GoPro से शूट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये है पूरा लुक, आप देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो मैं तैयार हो गया। अब ये अब जैसे मैंने बताया मैं सैटरडे को शायद जाऊँगा मोटो व्लॉगिंग करने के लिए। मैं आगरा ट्रैवल करूँगा, आगरा मथुरा, वहाँ मुझे कुछ काम भी है। तो ये आप मेरा देख सकते हो, ये मेरी रिंग लाइट है और ये कैनन का कैमरा है जिससे मैं शूट करता हूँ। ये उसका माइक है रोड का जो मैंने लिया था। ये है मेरा पूरा सेटअप है इंडोर का, इंडोर शूट करने के लिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से, पूरा घर मेस्टअप है, अगर मम्मी ने देख लिया तो जान खा जाएंगी। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रोड ट्रिप करके दिखाऊंगा दिल्ली टू आगरा सैटरडे को। होप सो कुछ प्लान में चेंजेस ना आए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल हॉलीवुड देखो, एंड प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन एज वेल, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। और अगर आपके पास इतने गैजेट्स नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है ब्लॉग शूट करने के लिए गैजेट्स होना, ठीक है, वो सेफ्टी के लिए है। पहले आप व्लॉग स्टार्ट कर दिए शूट करना, उसके बाद मैंने भी आप स्टार्टिंग के वीडियोज़ देख सकते हो। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं कैमरे से शूट करता था जो मेरे फ़ोन में था। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे जब आपका चैनल ग्रो हो तो आप ये सब गैजेट्स ले सकते हैं। तब तक के लिए आपको कोई अगर उतनी ज़रूरत नहीं, मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं। मैंने अभी भी नया बनाया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको स्टार्टिंग ही में इतना सब कुछ इन्वेस्टमेंट करने की। और आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपको इस तरह के वीडियोज़ बना के दिखाता रहूँगा। बाय गाइस, लव यू।